चंडीगढ़ के पीजीआई में एक बार फिर से हड़ताल की जा रही है अपनी मांगों को लेकर। जो हॉस्पिटल अटेंडेंट हैं, सफाई कर्मचारी हैं, किचन डिपार्टमेंट के जो कर्मचारी हैं, वो 10 तारीख से लगातार हड़ताल पर है। एरियर की डिमांड की जा रही है, लगातार अफसरों के साथ मीटिंग हुई है, लेकिन किसी भी तरह से कोई अभी तक सोल्यूशन नहीं निकला है, जिसको लेकर जितने भी जो कर्मचारी हैं वो हड़ताल पे हैं। लेकिन उसकी वजह से काफी दिक्कतें जो हैं वो पेश आ रही हैं। गंदगी का आलम इतना हो चुका है, इमरजेंसी की अगर हम बात करें, जगह जगह कूड़ा और इन्फेक्शन का काफी खतरा जो है वो हो चुका है। लेकिन सफाई कर्मचारी या हॉस्पिटल अटेंडेंट का कहना है कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होती, वह जब तक अपनी जो हड़ताल पर बैठे रहेंगे। राजेश जी हमारे साथ हैं। राजेश जी, क्योंकि लगातार पिछले दिनों से आपका काफी मीटिंग्स हुई, बातचीत हुई, लेकिन किसी तरह का कोई सोल्यूशन नहीं निकला, मांग क्या है आपकी? सबसे पहले तो मैं न्यूज 18 हरियाणा का धन्यवाद करना चाहूंगा कि उन्होंने हमारा जो दुख दर्द है वो साझा करने की बहुत, आपका तहे दिल से धन्यवाद करूंगा इस चीज के लिए। सर, मेरा नाम राजेश चौहान है, मैं पीजीआई हॉस्पिटल अटेंडेंट कॉन्ट्रैक्ट वर्कर यूनियन का प्रेसिडेंट हूं। सर, ये नवंबर 2018 से हमें माननीय कोर्ट ने 4 कैटेगरी को एरियल का प्रावधान दिया था कि भाई इनका बनता है और दो, पर पीजीआई के हमेशा अड़ियल रवैये के कारण हमारा आज तक ना तो हमें वो बड़ी हुई सैलरी मिली है और ना ही हमारा एरियल आज तक मिला है। और कुछ बातें ऐसी हुई है कि भाई आप इस स्लैब में नहीं आते हो, जैसे 20,000 से ऊपर होगी तो आपका बोनस भी बंद कर देंगे, तो इन्होंने हमारा बोनस भी बंद कर दिया है जबकि हमें बोनस मिलता था। तो ये 4 कैटेगरी को मेंशन किया था, जो डॉक्यूमेंट है जो ये मैं दिखाना चाहूंगा एक बार आप, अलग अलग कैटेगरी। हाँ जी, हाँ जी, ये रूल 25 के अकॉर्डिंग, ये नीचे स्टैम्प भी है सीएलसी के, तो इसके अकॉर्डिंग 4 कैटेगरी को मेंशन किया था, जिसमें एचए, एसएस, सिक्योरिटी गार्ड और बीरर, जिसमें से इन्होंने जो अभी तक जो किन किन लोगों को दिया। हाँ जी, हाँ जी, जो इन्होंने ये 3 कैटेगरी का मेंशन कर दिया है, लेकिन एक कैटेगरी के साथ सौतेला व्यवहार किया है, उसको अभी तक नहीं दिया जी। ठीक है, तो बाकी ये 3 कैटेगरी को हो चुका है, बाकी 3 कैटेगरी को दे चुके हैं ये, और एक कैटेगरी को इन्होंने सौतेला व्यवहार करके नवंबर 2018 से अभी तक लटका के रखा हुआ। कैटेगरी जो एक कैटेगरी रह चुकी है जिसमें आप लोग आते हो, कितने लोग हैं टोटल उसमें? 1600 वर्कर है सर। 1600। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। हॉस्पिटल अटेंडेंट हो गए, उसके साथ साथ सफाई कर्मचारी? हाँ जी, हम इसके साथ हमारे सफाई कर्मचारी है और किचन बिरर्स है। यानी कि टोटली जो सफाई कर्मचारी है वो टोटली इस हड़ताल पे है? टोटली है जी, टोटली टोटली टोटली। हाँ जी, तो अब किस तरह से सिचुएशन हो रही, क्योंकि गंदगी का आलम देखा हमने कि काफी गंदगी जो है, इन्फेक्शन का खतरा काफी। देखिए सर, हमारा बिल्कुल भी दिल नहीं करता कि हम हड़ताल पर जाएं या हड़ताल करें, पर ये प्रशासन इतना विवश करता है, इतना मजबूर करता है कि हमें ऐसे निर्णय लेने पड़ते हैं। हम नहीं चाहते कि कभी भी अनुसंधान के अंदर किसी भी तरह की स्ट्राइक हो या किसी भी तरह का, किसी भी हमारी वजह से किसी को भी कोई किसी तरह का ठेस पहुंचे। अधिकारी से बात हुई किसी मीटिंग वगैरह? देखिए जी, अधिकारियों से तो 2018 से ही बात चल रही है। अभी इस मैटर पे कोई अभी लेटेस्ट कोई बात हुई आपकी? अभी भी बात चल रही है, पर वही है, जलेबी बना के छोड़ देते हैं, कोई सटीक जवाब नहीं। नहीं है, नहीं। आपकी तब तक रहेगी या कुछ बातचीत में सोल्यूशन निकलेगा? देखिए जी, हमने तो एक बात कह रखी है, अब फेस्टिवल सीजन है, ना हमें कुछ भी नहीं है, ना एरियल, ना बोनस, तनख्वाह वही 15-20 हजार। सर क्या करे, बच्चे तो डिमांड्स रखती है ना, फेस्टिवल सीजन का तो कुछ होना चाहिए। बहुत सारी चीजें हैं जैसे इन्होंने बताया राजेश जी ने, कि लगातार इनके अलग अलग शिफ्ट में जो लोग आ रहे हैं, जो भी हॉस्पिटल अटेंडेंट हैं, सफाई कर्मचारी हैं, इसके साथ साथ जो किचन डिपार्टमेंट के हैं, उनको एरियर नहीं दिया गया। और जैसे इन्होंने बताया कि अलग अलग कैटेगरी जो बांटी गई थी, जिसमें 3 कैटेगरी को जो है वो दे चुके हैं, लेकिन एक कैटेगरी जो रह चुकी है उसके साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि किसी भी तरह से कोई अधिकारी सुनने को तैयार नहीं, किसी भी तरह से कोई जो मैनेजमेंट है वो सुनने को तैयार नहीं। लेकिन दूसरी साइड अगर हम देखें तो पीजीआई की अगर हम इमरजेंसीज की बात करें या दूसरे वार्ड्स की बात करें, तो अब चौथा दिन है, चौथा दिन में यानी कि गंदगी का आलम इतना हो चुका है कि काफी कूड़ा, काफी जो इमरजेंसी में जो जिस तरह से जो दवाइयां का वो होता है वो काफी ज्यादा इकट्ठा हो रहा है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं हालांकि कोशिश की जा रही है कि किस तरह से उसको अरेंज किया जाए कि इनको मनाया जाए, लेकिन गंदगी जो आलम है वो काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है। चंडीगढ़ से कैमरामैन जिंद्र कुमार के साथ मनोज राठी, 18 पंजाब।